पार्थ सर समाचार गत 3 वर्ष से चंद्रपुर जिले में कार्यरत है और इस वर्ष उनको 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए इस समाचार पत्र को समाज के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए मैं शुभ संदेश देना चाहूँगा और शुभकामना का करना चाहूँगा कि ये पार्थ सर समाचार जो है आगे अच्छी तरक्की करे और लोगों में अच्छा संदेश पहुँचाए। विदर्भ के सर्वोत्तम हिंदी वीडियो न्यूज चैनल पार्थसर समाचार के 3रे वर्धापन के अवसर पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पार्थसर समाचार जो है वो दिन ब दिन इसकी प्रगति हो, ऐसी मैं ईश्वर से शुभकामना करता हूँ। चंद्रपुर का सबसे फेमस होटल सितारा प्रेजेंट्स, होटल सितारा ग्रुप की नई ब्रांच, न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट। चंद्रपुर की शान में एक और चमकता बड़ा सितारा मूल रोड चंद्रपुर के निसर्ग जंगलों के बीच पूरे परिवार के लिए वेज नॉन वेज का सबसे खूबसूरत स्थान, जहां आप पाएंगे सबसे स्वादिष्ट लाइव चिकन मटन फिश के साथ सैकड़ों वेज और नॉन वेज डिशेज, साथ में बच्चों को खेलने के लिए भरपूर उपकरण, क्रिकेट मैच और एंटरटेनमेंट लाइव स्क्रीन, मचान, पार्किंग के भरपूर जगह और फेमस होटल सितारा की सबसे उत्तम सर्विस और टेस्ट। एक बार पूरे परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। आउटडोर पार्टी के लिए बेस्ट लोकेशन होटल सितारा ग्रुप का नया उपकरण होटल न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट, घंटा चौकी मूल रोड चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट करें मिस्टर शिरीष पतरंगे, मोबाइल नंबर 9764871578। अब देखिए आज की मुख्य खबरें एक साथ पार्थसर सुपर फास्ट में। अगर आप अपना टेलीविजन खरीदने का मन बना रहे हैं तो अब आपको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है। टीवी का पैनल बनाने में इस्तेमाल होने वाले ओपन सेल के दाम लगातार बढ़ने के कारण कंपनियां अभी टीवी के दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं, ताकि लागत का बोझ कुछ कम हो सके। अगर मराठाओं को ओबीसी की सुविधा मिली, अन्य पिछड़ी जातियों पर उसका प्रभाव पड़ा तो महाराष्ट्र में शांति फैल सकती है, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने शिंदे सरकार को चेताया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन से किनारा कर एक बार फिर एनडीए का दामन थामा है। इसी बीच इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का कहना है कि पटना में जो कुछ भी हुआ, इतने कम समय में ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई। मुझे याद है कि नीतीश कुमार ने ही फोन किया था। महाराष्ट्र सरकार ने इस हफ्ते शुक्रवार को कहा कि मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल की सभी मांगें स्वीकार कर ली हैं। अध्यादेश का मसौदा तैयार कर लिया गया। राज्य सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल मसौदा अध्यादेश की एक प्रति के साथ वाशी भी पहुंचा, जहां फिर से मराठा आंदोलन की चेतावनी के साथ डटे हुए हैं। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने महाराष्ट्र कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड 2024 की परीक्षाओं के वक्त में बदलाव किया। बोर्ड की तरफ से अब एचएससी और एसएससी बोर्ड परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए छात्रों को 10 मिनट का समय अब नहीं दिया जाएगा। राज्य सरकार में मंत्री और वरिष्ठ ओबीसी नेता छगन भुजबल ने रविवार को बड़ा ऐलान किया। भुजबल ने कहा कि मराठा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ 1 फरवरी को विधायकों, सांसदों और तहसीलदारों के आवासों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। शिवसेना के उद्धव गुट के चंद्रपुर शहर अध्यक्ष शिवा वजरकर की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य सूत्रधार स्वप्निल काशीकर को गिरफ्तार करने के बाद उसके पिछले 15 साल की आपराधिक पृष्ठभूमि सामने आई है। उसके खिलाफ रामनगर पुलिस स्टेशन, चंद्रपुर सिटी पुलिस स्टेशन और गोंड पिपरी पुलिस स्टेशन में बेहद गंभीर प्रकृति के मामले दर्ज है। अरे कसला गोंधळ चालू आहे तिकडे? अहो आई, कसला म्हणजे काय? दिवाळी येत आहे ना, कपड्याची खरेदी पुन्हा काय? बरोबर आहे त्यांचं, कपड्यांची खरेदी करायचीच आणि तेही सर्वांसाठी। पण बाबा, संपूर्ण कुटुंबाचे कपडे एकाच ठिकाणी मिळतील तरी कुठे? कुठे म्हणजे काय दादा? बर सिद्धी, अगदी बरोबर। पारिवारिक कपड्यांच्या खरेदीचं एकमेव दालन म्हणजे श्री वर सिद्धी। वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर। पार्थसर समाचार यांचे अध्यक्ष आदरणीय राजेशजी नायडू यांच्या माध्यमातून मागील 3 वर्षापासून त्यांचा हा न्यूजपेपरच्या माध्यमातून सतत उपक्रम चालू आहे। या शहरात अतिशय चांगलं काम त्यांचं आहे आणि समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत जाऊन सगळ्या न्यूज त्या लावाचं काम या त्यांच्या वृत्तपत्राच्या माध्यमातून होत आहे। आणि माझ्या त्यांच्या या 3 वर्ष पूर्ण झाल्या निमित्ताने
या ठिकाणी त्यांचा मोठा कार्यक्रम सुद्धा आहे. या कार्यक्रमांना मनापासून माझ्या शुभेच्छा. भविष्यातही असं चांगल्या पद्धतीचं काम या पार्थ शहर समाचारच्या माध्यमातून व्हावं आणि दिवसेंदिवस प्रगती या वृत्तपत्राने करावी. थँक्यू. विदर्भ का सर्वोत्तम न्यूज चैनल पार्थ शहर समाचार. पार्थ शहर समाचार को 3 साल कंप्लीट हुए हैं और चंद्रपुर के क्रीड़ा क्षेत्र में रहो और डिजिटल क्षेत्र में रहो, श्री राजेश नायडू इन्होंने अपना नाम कमाया है. और जब ये समाचार के क्षेत्र में आए, डिजिटल क्षेत्र में आए, तो उन्होंने पार्थ शहर समाचार का नाम भी चंद्रपुर के लिए बहुत बड़ा किया, गौरवास्पद किया. मैं इस पार्थ शहर समाचार के 3rd साल कंप्लीट होने के बाद में मैं मेरे तरफ से शुभकामना देना चाहता हूँ. भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुभकामना देना चाहता हूँ और मैं जिस कन्या नागरी बैंक का उपाध्यक्ष हूँ, मेरे बैंक की तरफ से शुभकामना देना चाहता हूँ. हर साल चंद्रपुर रत्न, चंद्रपुर गौरव पुरस्कार दिया जाता है और मुझे इस पार्थ शहर समाचार के बारे में एक अलौकिक लगता कि वह चंद्रपुर के कलाकार लोगों को पुरस्कार देके गौरवान्वित करना, ये बहुत बड़ी बात है. और ये समाचार ये काम करती है, निरंतर कर रही है, इसलिए मैं चंद्रपुर गौरव, चंद्रपुर रत्न, उनको भी मेरे तरफ से शुभकामना देना चाहता हूँ.